Good morning, students. Hope you all are doing well. Today we are going to start next topic of lesson 9, food we eat. Name of topic is kinds of food. Food ki jo kinds hain, types hain, unke bare mein study karenge. There are different kinds of food items. Food ki bahut sari kinds hoti hain. These food items can be listed into 3 major food groups. In food items ko 3 major groups mein divide kiya gaya hai. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड. फर्स्ट वी रीड अबाउट एनर्जी गिविंग फूड. फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. जो फूड हमें एनर्जी देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो एंड ब्रेड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. इन सभी में, राइस में, व्हीट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट होती है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की. दे गिव एनर्जी टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. फूड सच एज बटर, ऑयल एंड घी आर रिच इन फैट्स. वो फूड जिसमें क्या होता है, बटर जो होता है, ऑयल होता है या फिर घी होता है, उसमें ज़्यादातर क्या अमाउंट होती है, फिर उसमें फैट्स की ज़्यादा अमाउंट होती है. फैट्स क्या देती है हमें, एनर्जी देती है एंड वार्म टू द बॉडी, साड़ी बॉडी को वार्म रखती है. तो ऐसे क्या है, इन जो फूड हमें एनर्जी देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. इसमें से कौन से फूड आ गए, राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सभी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. कौन सा फूड है नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड helps our body to grow as they are rich in proteins. Bodybuilding food हमें किस में help करता है, grow करने में, बढ़ने में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर amount में क्या पाया जाता है, proteins पाए जाते हैं. जैसे क्या हो गया, eggs, milk, meat, fish, पनीर, cheese, soybean and pulses, दालें are rich in proteins. इन सभी में ज़्यादातर क्या होता है, रिच क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं. ज़्यादा अमाउंट में इनमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट, किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स, ग्रोथ के लिए हमारी एंड रिपेयर, हमारी बॉडी की वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं. तो हमने ऐसे दो फूड जो ग्रुप्स की हैं, फूड की जो दो ग्रुप्स हैं उनको रीड आउट किया है. फर्स्टली एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड. Protective food like fruits, vegetables and milk give us vitamins and minerals. Protective food जैसे कौन से food हो गए, हमारे fruits हो गए, vegetables हो गया and milk, दूध, ये हमें क्या देते हैं, vitamins देते हैं and minerals देते हैं. They help us to stay healthy by protecting the body from diseases. ये हमें क्या रहने में help करते हैं, healthy रहने में help करते हैं और हमें किससे बचाते हैं, किससे protect करते हैं, diseases means बीमारियों से. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are called nutrients. जब ये तीनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, carbohydrates को, fats को, protein, vitamins and minerals को, तो उन्हें क्या बोलते हैं, nutrients बोलते हैं, पोषक तत्व. The food we eat should have all the nutrients to help us work, grow and stay healthy. वो फूड जिनमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स हो गए, इन सभी चीज़ें, ऑल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जिनमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिस फूड में, वो हमें किस में हेल्प करता है, वर्क करने में, ग्रो करने में एंड हेल्दी रहने में. नेक्स्ट इज हाउ वी गेट फूड. हमें जो फूड है वो कैसे मिलता है, जो फूड है हमारे तक कैसे पहुंचता है. फूड ट्रेवल्स अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीचेज अवर होम्स और प्लेट्स. जो फूड है बहुत बड़ी जो जर्नी तय करके आता है हमारे घर तक या फिर हमारी प्लेट में जिसमें हम खाना खाते हैं. प्लांट्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स. जो प्लांट्स हैं वो किसके द्वारा ग्रो किए जाते हैं, फार्मर्स मीन्स किसानों के द्वारा. दे सो क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट देम व्हेन दे राइपन. क्या है, जो फार्मर्स हैं वो पहले क्या करते हैं, फसलें बीजते हैं, फिर उन्हें काटते हैं. कब काटते हैं, जब वो पक जाते हैं, राइपन मीन्स जब वो अच्छे से पक जाती हैं तो उन्हें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग मीन्स काटते हैं. द प्रोड्यूस इज देन सोल्ड इन अ मंडी और अ होल सेल मार्केट. जो पैदा उन्हें निकलती है वो उसे कहाँ लेकर आते हैं, मंडी में सेल करते हैं या फिर किसी होल सेल मार्केट में. शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय द प्रोड्यूस फ्रॉम द मंडी.
जो शॉपकीपर्स होते हैं या वंडर्स मीन विक्रेता होते हैं, वो मंडी से उस फसल को क्या करते हैं, ले लेते हैं। वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम शॉपकीपर्स और वंडर्स। फिर हम क्या करते हैं, जो शॉपकीपर वंडर्स उन्हें वहाँ से खरीदते हैं उस फूड को, तो हम वो क्या लेते हैं, अपने शॉप के शॉप्स में ले आते हैं, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं या वेजिटेबल्स क्या हैं लेते हैं। फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स कम्स फ्रॉम फार्म्स। जो फूड हमें एनिमल्स से मिलता है, ये तो प्लांट्स हैं, जो हमें एनिमल से मिलता है वो कहाँ से आता है, फार्म से आता है। जैसे हैंज एंड डक्स आर रेज्ड इन पोल्ट्री फार्म्स। जो हैंज डक्स को किस में पाला जाता है, पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है, वहाँ उनका पालना की जाती है। मीट एंड एग्स आर सेंट टू द मार्केट फ्रॉम पोल्ट्रीज। फिर उनका जो मीट है या फिर एग्स जो उनके द्वारा दिए जाते हैं, उसको कहाँ भेजा जाता है, मार्केट में भेजा जाता है, पोल्ट्री फार्म में से लेकर मार्केट में भेजा जाता है। काउज एंड बफलोज आर रेज्ड इन डायरी फार्म्स। जो काउज और बफलो, उनका ही पालना कहाँ पे की जाती है, किसी डायरी फार्म्स में की जाती है। वी गेट मिल्क फ्रॉम मिल्क बूथ शॉप्स एंड इवन डायरीज। तो हमें कहाँ से मिल्क मिलता है, मिल्क बूथ से मिलता है या फिर शॉप से या फिर जो मिल्क की डायरी होती है वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, फूड, उस डायरी से हमें फूड मिल जाता है। शॉपकीपर्स बाय मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम डायरी। जो शॉपकीपर्स हैं वो सीधा फूड मिल्क कहाँ से लेते हैं, डेरीज से लेते हैं। बटर चीज़ एंड आइसक्रीम्स आर मेड प्रोसेस्ड एंड पैक्ड एट फैक्ट्रीज। जो हमारा बटर है, चीज़, आइसक्रीम, वो उनको कहाँ पे पैक किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में पैक किया जाता है, वहाँ पे ही उन्हें बनाया जाता है, फिर उन्हें पैक किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। जो कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कल्चरल विभिन्नता है फूड में, वो क्या है। The type of food one eats depend on the region where one lives, the climate, local customs, habits and availability of the food items. जो हमारी food खाने की type है वो किस पे depend करती है, किस पे depend करती है, यहाँ जिस area में हम रहते हैं वहाँ पे, वहाँ का जो मौसम है उसके उस पे भी depend करती है, क्योंकि जो fruits हैं, vegetables हैं, वो season के according आती हैं। लोकल कस्टम्स, वहाँ का क्या रिवाज है, कहाँ वहाँ की क्या हैबिट्स हैं, उन सभी पे डिपेंड करता है हमारा जो खाना है। मक्की की रोटी एंड सरसों का साग आर पॉपुलर डिशेज इन नॉर्थ इंडिया। जो मक्की की रोटी है और सरसों का साग है, वो कहाँ पे होती हैं ये डिशेज, नॉर्थ इंडिया में, हमारे एरिया में। पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ईट अ लॉट ऑफ सी फूड लाइक फिश एंड प्रॉन्स। जो लोग कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में, एरियाज में रहते हैं, वो कौन सा फूड खाते हैं, सी फूड खाते हैं, जैसे फिश और प्रॉन्स। इडली, डोसा, सांभर एंड कोकोनट चटनी आर ईटन वाइडली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के लोग क्या खाते हैं, इडली सांभर, डोसा सांभर खाते हैं। दाल बाती एंड गट्टे की सब्जी आर पॉपुलर डिशेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोग क्या खाते हैं, दाल बाटी, गट्टे की। इन सम रीजन्स ऑफ इंडिया स्पाइसी फूड इज ईटन। इंडिया के कुछ रीजन्स में क्या किया जाता है, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया जाता है, मसाले वाला फूड खाया जाता है। इन सम रीजन्स ब्लंट फूड इज प्रेफर्ड। कुछ रीजन में क्या है, बिल्कुल ही मतलब जो विदाउट मसाला, बिल्कुल ही हल्का सा, जो नरम सा भोजन होता है वो खाया जाता है, जिसमें ज़्यादा मसाले नहीं पाए जाते। सम पीपल लाइक परफेक्टली कुक्ड फूड। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कुक किया भोजन खाते हैं। वाइल्ड सम पीपल लाइक सेमी कुक्ड फूड, कुछ कम पका हुआ भोजन खाते हैं। द सेम फूड कैन बी प्रिपेयर्ड डिफरेंटली एज पर द टेस्ट ऑफ पीपल। जो फूड है वो किसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि वहाँ जहाँ पे वो रहते हैं उनका कैसा टेस्ट है, कैसी उनकी हैबिट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो फूड है वो कुक किया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।